top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. और जब बंगाल जैसे मुद्दे पर जैसे मुद्दे पर मीडिया चुप रहता है तो ये सोशल मीडिया बोलता है और मजबूर करता है मीडिया को कि इसका नोटिस दे। कल जंतर मंतर पर सेव बंगाल का एक बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा जो बाकी भी बहुत ही स्टेट्स में हुआ। ये जो प्रदर्शन था वहां मैंने एक बात कही कि बंगाल का नाम आते ही हमें ध्यान आता है कि अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये शांति की भूमि है, ये क्रांति की भूमि है, ये रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद अरविंद टैगोर और सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, ये जिंदर मन से वंदे मातरम। चाहते हैं देश की धरती तुझे कुछ और, परंतु ग्रहण लग गया है, ग्रहण लग गया है, जिहादी हिंसा का ग्रहण लग गया है, ममता सरकार की पुष्टिकरण की नीति का ग्रहण लग गया है, मजहबी उन्माद में यहाँ घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बहनों के साथ माओ के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, पर ममता सरकार चुप है, कानून चुप है और कहा जाता है सेंटर द्वारा फोर्सेस को भेजा जाए तो कहते आवश्यकता नहीं है, हमारी स्टेट की पुलिस ध्यान रख सकती है, पर 3 दिन तक उस हिंसा का तांडव जारी रहता है, सेंट्रल फोर्सेस को आने नहीं दिया जाता और उसके बाद कह दिया जाता है गवर्नर हमें धमका रहा है और सेंटर कोऑपरेट नहीं कर रहा। और यहाँ इस पॉलिटिकल संघर्ष में वो जो वहां का हिंदू है वो मरता रहता है। क्या हुआ बशीर खान? आजकल हम सब जानते हैं बंगाल में तबाही बची हुई है, पहली बार ये तबाही नहीं बची, पर क्या हुआ बशीर खान? बशीर खान में 17 साल के श्रमिक ने फेसबुक पे एक आपत्तिजनक ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट डाली इस काम के बारे में, गलत किया, नहीं करना चाहिए, सब धर्मों का आदर करना चाहिए, हम तो मानते हैं कि तुम्हारा रास्ता भी ठीक है, हमारा रास्ता भी ठीक है, तुम जिसकी भी पूजा करो ईश्वर के पास ही जाओगे, हम भी पूजा करते हैं ईश्वर के पास ही जाएंगे, ना तुम हमें कन्वर्ट करो ना हम तुम्हें कन्वर्ट करें, सभी ठीक है, बहुलतावादी है हम तो कहते हैं कण कण में समान है, जो मुझमें है वो तुझमें है, वो पेड़ पौधों में है, वो जानवरों में है, तो मुझमें और तुझमें भेद कैसा, हम भेद और संघर्ष की बात नहीं करते, हम समन्वय की और समरसता की बात करते। तो उसने जो भी फेसबुक पर पोस्ट डाली 17 साल के लड़के ने, गलत था, नहीं होना चाहिए था, कानून देखेगा, कानून ने इमीडिएटली पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, बदूरिया थाने में उसको ले जाया गया और जैसे ही वहां ले जाया गया हजारों लोगों की भीड़ वहां आ गई, मजहबी स्लोगन शुरू हुए और कहा इस 17 साल के लड़के को हमारे हवाले करो, हम तय करेंगे इसका करना है, उस लड़के को कानून के अनुसार इस भीड़ के हवाले नहीं किया। उसके बाद गुस्से में आकर वो भीड़ गलियों में निकली, मोहल्लों में निकली, जहां जहां उसने हिंदू दुकानें, हिंदू मकान, हिंदू मंदिर देखे तबाही मचाती गई, लूटपाट करती गई, जलाती गई। इंटॉलरेंस देखना हो तो यहां देखना चाहिए। क्या हुआ था? 17 साल के लड़के ने वो
डाली थी। मुझे ध्यान आता है कि यहाँ लगभग 7-8 साल तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्स पढ़ाया जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की बेटी उपेंद्र सिंह ने किताब लिखी थी कल्चर ऑफ इंडिया, उस पर एक चैप्टर था एक रामायण का हास्य, उसे पढ़ाया जा रहा था एंशियंट कल्चर इंडिया में। रावण की छींक से सीता पैदा हुई, रावण सीता का बाप था, हनुमान एक कानून व्यक्ति था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का नहीं। और सीता और लक्ष्मण के अनैतिक संबंध थे। अब ये सब पढ़ाया जा रहा था, हमने विरोध किया। ये तो भीड़ है, इसका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ये तो कम्युनल प्रॉब्लम नहीं है, सामुदायिक हिंसा नहीं है, इतनी हिपोक्रेसी है इस भीड़। एक भी व्यक्ति उस श्रमिक के समर्थन में नहीं आया। उस 17 साल के बच्चे का ये क्या हाल करेंगे? जुवेनाइल है, एडल्ट नहीं है, तब भी पुलिस स्टेशन में रखा गया। एक भी व्यक्ति इसके समर्थन में नहीं आया, वो क्या होता है? नॉट इन माई नेम, कहाँ है? ढूंढ के लाओ। जंगल मंदिर में आए थे, नॉट इन माई नेम, कहाँ गए वो ब्रिगेड? आई थिंक एवरीथिंग इज देयर इन नेम। जब अखलाक मरता है तो ये जंगल मंदिर पूरा देश इंसॉल्वेंट हो जाता है, 100 करोड़ लोग इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। जुनेद जब ट्रेन की सीट शेयरिंग पर मरता है, गलत है, नहीं मरना चाहिए, पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, डोंट कम्युनलाइज। पर जब जुनेद मरता है तो नॉट इन माई नेम, पर जब बंगाल में कार्तिक मरता है तो चुप हो जाते हैं, सांस फूक जाता है। इसीलिए एवरीथिंग इज इन अ नेम। नहीं बात और कहूँ बंगाल के बारे में, हम सबने सुना है, शायद वो इस पर नहीं बैठता है कि वो बंगाल में कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं। इसीलिए ये इंसॉल्वेंस की डिलेज, ये अवार्ड बांटने की डिलेज, ये कम विजिलेंसीज के बारे में बात करने वाले, ये हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहने वाले, ये जब ये जिहादी लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म का मिक्सचर है, ये कुछ लोग हैं जो आप उंगलियों में गिन सकते हो। ये प्रोफेसर हैं, ये लॉयर्स हैं, ये एनजीओज हैं, ये कुछ मीडिया पर्सन हैं जो देखते हैं कुछ जिहादी और लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म का है तो चुप कर जाते हैं। ये जब विपक्ष में होते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच चिल्लाते हैं। क्या कहा था 9 फरवरी को जेएनयू में? भारत पहले तुम्हारे हूँ, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। व्हाट अबाउट दिस 17-year-old बॉय? इसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या? मैं ये नहीं कह रही इसने ठीक किया, पर तुम कह रहे हो भारत के टुकड़े होंगे तभी तुम जिंदा हो, ठीक हो, कोई तुम पर अटैक नहीं कर रहा, जो अटैक करेगा उसको पुलिस पकड़ेगी। यहाँ रूल ऑफ लॉ है, यहाँ जंगल राज नहीं है। पर ये चिल्लाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे तो वो सब ठीक है, पर यही लोग जब सत्ता में होते हैं तो केरल में क्या करते हैं? केरल में पूछो सरंग मास्टर जी से, वो तो मार्क्सिस्ट परिवार में पैदा हुए थे, वो राष्ट्रवाद की ओर आ गए, उनके दोनों पांवों को घुटने के नीचे काट दिया। क्यों काटा गया? क्योंकि ये लेसन देना था कि मार्क्सवाद छोड़कर जो राष्ट्रवाद की ओर जाएगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। पूछो जय कृष्ण मास्टर जी से,